नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षदों की ओर से हंगामा करने के मामले में भाजपा सख्त हो गई है। भाजपा ने सड़क से लेकर उपराज्यपाल सचिवालय तक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर दी है। भाजपा नेताओं ने आज राजघाट के सामने धरना देने का निर्णय लिया है। वहीं इस मामले में उपराज्यपाल से शिकायत करेंगे। बता दें कि सदन में शपथ ग्रहण समारोह के बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, जिससे कई पार्षदों ने शपथ तो ग्रहण की लेकिन हस्ताक्षर नबी ना कर पाए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, सदन में शपथ ग्रहण समारोह के बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, जिसके बाद बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी में पहली दफा जो बहुमत है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आई है। और बात की जाए तो कल एक बैठक थी, पहली बैठक थी। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, दोनों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। साथ ही साथ नोकझोंक का आलम यह था कि जैसे गली गुचों में लड़ाइयां होती हैं, ठीक वैसे ही दिल्ली के एमसीडी के सदन में होते हुए नजर आया। आपको बताए, इसको लेकर अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों जो पार्टी के नेताओं हैं, इसमें आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेताओं को, जो नेता थे उनकी तरफ से उकसाया गया और कहीं ना कहीं पार्षदों से नोकझोंक की गई, जिसके बाद वो उग्र हो गए। वहीं आपको बताया कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सदन के अंदर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से सुयोजित ढंग से आए थे लड़ाई के उद्देश्य से, और साथ ही उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं पर ब्लेड चलाए गए हैं। तो ऐसे संगीन जो आरोप है वो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपको बताया कि एमसीडी का जो सदन था उसे विवाद के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। और आपको बताया कि मेयर के जो चुनाव होने हैं, मेयर की तारीख जो घोषणा होनी है कि मेयर की तारीख के चुनाव की जो तारीखें हैं उसकी घोषणा होनी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब इसमें आगे डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और आने वाले दिनों में जो मेयर के चुनाव की तारीखें हैं उसका ऐलान किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाते हुए कहा गया कि जो प्रोसिक्यूशन अफसर होता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है एमसीडी में। वहीं आपको बताएं मयूरी कि दिल्ली के एलजी का पे आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एलजी पूरे अपने जो उनके पास तमाम शक्तियां हैं उसको उपयोग करके और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां आम आदमी पार्टी तीसरी बार दिल्ली विधानसभा के अंदर में सत्ता में काबिज हुई है, साथ ही देखे तो अन्य राज्यों में भी वो जाकर और अपनी सत्ता बना रही है, सत्ता में आ रही है, चाहे बात की जाए पंजाब की, चाहे बात की जाए गुजरात की टफ फाइट की, जहां वोट परसेंटेज में बढ़ाव देखने को मिला। साथ ही आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रही है। जी विवांशु, आम आदमी पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी आज प्रदर्शन करेगी, तो कितनी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे और कौन बड़े दिग्गज शामिल हो सकते हैं? जी विवांशु, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी विवांशु, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज प्रदर्शन करेगी, तो कितनी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं और कौन बड़े दिग्गज शामिल होंगे? जी मयूरी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कल के हुए जो कारनामे हैं, जो एमसीडी के अंदर में पहली बैठक में देखी गई दोनों पार्टियों के बीच, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माना ही जा रहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत परवेश वर्मा समेत तमाम दिग्गज नेता सम्मिलित होंगे। और आपको बताएं कि इनके द्वारा आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी की नीतियों का विरोध किया जाएगा और जो सदन की गरिमा को
धूमिल किया गया है, जो ये दोनों पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है, जो छवि धूमिल किया गया उसको लेकर आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मनोज तिवारी की अगुवाई में ये प्रदर्शन होगा। आपको बताएं कि अगर मयूरी तो इस प्रदर्शन से अगर देखें पीछे चल के, तो कल कहीं ना कहीं देखें तो शपथ चल रहा था। शपथ में पहले बीजेपी के मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी। इसका आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने विरोध किया कि जो श्रेष्ठ है यानी कि सीनियर पार्षद है उनको पहले शपथ दिलाया जाए, ना कि मनोनीत पार्षदों को। इसको लेकर हंगामा धीरे धीरे बढ़ता गया और मारपीट की नौबत आ गई। आज इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और जो पार्षद हैं और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, वो आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे व्यापक रूप से। इस धरना से साफ तौर से कहीं ना कहीं संदेश देंगे कि जो दिल्ली एमसीडी है उसकी जो गरिमा है उसको धूमिल ना होने दिया जाए। वहीं बात की जाए तो इस धरने में माना ये जा रहा है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ कुछ ऐसे बड़े नेता भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली दरबार है दिल्ली में, साथ ही साथ तमाम केंद्रीय मंत्री रहते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ कौन से बड़े दिग्गज नेता आज उनको मजबूती देते हुए नजर आएंगे। जी जी, धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। पूरे प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। बता दें कि लखनऊ में 8.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं पर कानपुर में सबसे कम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही गोंडा बहराइच में 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में अधिकतम न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड भी टूटा। 9 जनवरी तक कोल्ड डे शीतलहर की चेतावनी जारी रहेगी। वहीं कानपुर में ठंड से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में कई मौतें हो चुकी हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ से है, आप देख सकते हैं कि धुंध छाया हुआ है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर से है, जहां लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, और ठंड तो कानपुर में अब इतनी घातक हो गई है जो लोगों की जान भी जा रही है ठंड के कारण। लगातार ठंड का कहर बढ़ता हुआ जा रहा है, देख सकते हैं लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें लोगों की आवाजाही में भी कमी हुई है, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ठंड का कहर टूटता हुआ नजर आ रहा है। बता दें पूरे प्रदेश में ठंड अपना विकराल रूप दिखा रही है, जिससे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, और अभी कई दिन और ठंड परेशान कर सकती है ये भी कहा गया है। बता दें कि लखनऊ में 8.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, तो वहीं कानपुर में सबसे कम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। बता दें ठंड के कहर को देखते हुए वाहनों की आवाजाही में भी कमी हुई है। ठंड को देखते हुए लोग घर में ही रहने को मजबूर हैं। वहीं कई लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर से आप तस्वीर देख सकते हैं, ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर लखनऊ से हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी, वहीं कानपुर से उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ से सुहानी का।
सुहानी लखनऊ में काफी स्थिति खराब हो गई है, ठंड अपना कहर लगातार दिखा रही है, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जी मैं भी आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार जो पर्वतीय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी की वजह से पश्चिम भारत में बहुत जाते कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और धुंध की वजह से जो ठंड ज़्यादा हो रही है, इसको बता दें कि अधिकतम तापमान 5 डिग्री और न्यूनतम 2 डिग्री हो चुकी है और इतनी ठंड है कि लोग घर से निकलने में कतरा रहे हैं। वही जो जिला अधिकारी जो है उसको देखते हुए 1 से लेकर 8 तक के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल कर दिया गया, वही 12वीं तक के स्कूल में भी परिवर्तन किया गया है और खास तौर पर जिलाधिकारी का निर्देश है कि जो कमजोर लोग हैं और बूढ़े हैं बच्चे वो अपने बढ़ते और दूसरी तरफ जो भी कमजोर व्यक्ति है वो अपने ध्यान रखे और किसान भी शाम को अपने खेतों में जाने से बढ़ते क्योंकि जो ठंड है ये बहुत ही ज्यादा है, कड़ाके की ठंड है, इससे लोगों की मौतें भी अरे आपको बता दें जो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, जो मिर्गी वाले जो कमजोर दिल के उनसे ठंड की वजह से कई लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि कल जो है कि 4 घंटे में 24 लोगों की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हुई है इस ठंड के वजह से। उसको देखते हुए जिलाधिकारी का साफ तौर पर आदेश है कि जो भी निकले अपनी जो भी अपने बरत के निकले और साफ तौर पर ठंडी से बरते क्योंकि ये जो ठंड है वो बर्फीली हवाओं की वजह से यहाँ पर कड़ाके की ठंड आ रही है और इसको देखते हुए तमाम योगी सरकार जो है तमाम सुविधाएँ दे रही है और कंबल बांट रहे हैं देख के जितना हो सके वो योगी सरकार इस ठंड के लिए कर रही है, लेकिन जो ये कड़ाके की ठंड है वो कम होते नजर नहीं आ रही है और बढ़ते ही नजर आ रहा है। जी सुहानी, फिर मैं आऊंगी आपके पास, शुरू करेंगे उपेंद्र का। उपेंद्र आप कानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, मौसम विभाग द्वारा अभी क्या कुछ चेतावनी दी गई है? जी मयूरी, अल्लाह ताला कानपुर में देखा है तो ठंड जो है 2.8 डिग्री अभी काउंट किया गया है, उसके कहीं ना कहीं देखा है जो ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार जो कानपुर जो है देखा जाए खबरों के माध्यम से तो लगातार आगे चल रहा है। उसके कहीं ना कहीं देखा कल जो मौके पर जो मतलब कार्डियोलॉजी की बुलेटिन जारी हुआ था जिसमें 8 लोग की मौत हुई थी और जो आज 24 घंटे का पेशेंट का बुलेटिन जारी हुआ दोबारा उसमें देखा जाए ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जो है 25 लोग की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी ठंड को लेकर के कानपुर नगर निगम और देखा और जिला प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही दिखा है क्योंकि किसी भी चौराहे प्रमुख चौराहे पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जी उपेंद्र, सुहानी मैं आपका रुक करूंगी। सुहानी, लखनऊ में काफी स्थिति खराब हो गई है, ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, तो देखा जाए तो किस हिसाब से व्यवस्था की गई है, चाहे वो अलाव को लेकर हो या रैन बसेरे को लेकर हो? जी मैं भी आपको बता दें कि हमने भी जो यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं और साफ तौर पे जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे हमने खुद जाके रूक किया, उनसे पूछा कि योगी सरकार ने किस हद तक आपकी सहायता कर रहे हैं अलाव देने की काम जो है और यहाँ तक के जो कंबल बांटे जा रहे हैं, तो ऐसी तमाम जो व्यवस्थाएँ योगी सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ बता दें आपको जो कड़ाके की ठंड है उसके वजह से परिवहन में भी काफ़ी रुकावटें आ रही है, ट्रेन भी कई घंटे लेट जा रही है, तो ये ठंड जो है वो बढ़ते ही नजर आ रहा है। साफ तौर पे मौसम विभाग से भी अलर्ट किया गया है कि ये जो मौसम है कुछ दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा और इसका जो तापमान है वो भी घटता ही जा रहा है, तो देखा जा रहा है कि कब इसमें परिवर्तन होगा। वही योगी सरकार इस पे तमाम सुविधाएं ऐसी जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों को दे रही है और गरीब तबके के लोग जो है उनको भी अलाव दे रहे हैं और कंबल वितरण कर रहा है, तो ऐसी तमाम सुविधाएं जो है योगी सरकार कर रही है। जी सुहानी, उपेंद्र का रुख करूंगी। उपेंद्र, जैसा अभी आपने बताया कि कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, तो इस पर एक्शन कब लिया जाएगा क्योंकि अब ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है? वहीं अब कानपुर में ठंड इतनी ठंड जानलेवा हो गई है कि लोगों की मौत भी हो रही है, अस्पतालों में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? सुहानी जो बताई लखनऊ से कि रैन बसेरे की बात रही तो सूबे के मुख्यमंत्री का जो आदेश थे कि रैन बसेरे को सुरक्षित किया जाए, पर अभी भी कानपुर में ऐसे रैन बसेरे हैं कि जिनमें जो देखा जाए तो केवल कागजों में केवल रैन बसेरा बना हुआ है और दीवाले भी नहीं है, लोग वहां पर रह रहे हैं, कंबल की कोई व्यवस्था नहीं है। और बात रही रैन बसेरे की तो रैन बसेरे में एक प्रावधान होता है कि जो मेडिकल जो होना चाहिए मेडिकल टीम होनी चाहिए वहां होनी चाहिए, अभी किसी प्रकार की जो रैन बसेरे हैं उसमें अभी तक मेडिकल टीम कोई नहीं पहुंची है, ना किसी प्रकार कोई दवाई की व्यवस्था की गई है। और बात रही हार्ट स्ट्रोक और जो ब्रेन हेमरेज की, उसको देखा जाए कहीं ना कहीं लेकर के अभी भी जो कानपुर जो ठंड को लेकर बोला जा रहा है, पर जिला प्रशासन जो है वो अपील कर रहा है लोगों से कि जो आप घर पर रहे जरूरत पड़े तो बाहर निकले वरना कोई निकलने जरूरत कोई नहीं है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सवाल ये भी उठता है कि जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी कानपुर से उपेंद्र धन्यवाद आपका, लखनऊ से सुहानी धन्यवाद आपका।
वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, बने रहिएगा प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो।